अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीसरे T20 मैच के लिए शाहीन अफरीदी ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। दो अहम खिलाड़ी बाहर, तीन बड़ी तब्दीलियां प्लेइंग 11 में कर दी गई। वीडियो को लाइक करें, अगर आप बाबर आजम के फ़ैन हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं मेन टॉपिक की जानब। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान टीम दो T20 मैचेस हार चुकी है। तीसरे T20 मैच का टाइम टेबल भी तब्दील। वीडियो को लाइक करें। यहाँ पर चलते हैं, पहले प्लेइंग 11 देखते हैं। नंबर 1 सैम अयूब, नंबर 2 की बात करें मोहम्मद रिजवान, नंबर 3 फ़खर जमान, एग्रेसिव बल्लेबाज जिन्होंने 22 बॉलों पे 50 रन किए लास्ट T20 में। नंबर 4 की बात करें यहाँ पर बाबर आजम, नंबर 5 इफ्तिखार अहमद, नंबर 6 आज़म खान को फिर मौका दिया गया है। आपके ख्याल में इनको निकालना चाहिए या नहीं, कमेंट करें। नंबर 7 नवाज़ ऑलराउंडर, नंबर 8 की बात करें आमर जमाल ऑलराउंडर, नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर शाहीन अफरीदी के T20 के कैप्टन, नंबर 10 जमान खान टैलेंटेड फास्ट बॉलर पाकिस्तान के, नंबर 11 की बात करें यहाँ पर हारिस रऊफ मौजूद हैं। आपके ख्याल में मज़ीद कौन सी तब्दीलियाँ होनी चाहिए, लाजमी कमेंट करें। पाकिस्तान टीम दो पहले मैचेस हार चुकी है। तीसरा T20 मुकाबला यहाँ पर आप लोगों को आगाह करते चलें, सुबह 5 बजे शुरू होगा और ये बड़ा मुकाबला आप लोग देख पाएंगे 17 जनवरी की सुबह 5 बजे। यहाँ पर भी बराह रास्त होगा। वीडियो को लाइक करें, अगर आप पाकिस्तान टीम के फ़ैन हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।